हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए मैं जो रीडिंग कर रही हूँ, ये एक पिकअप आयल रीडिंग है। इस रीडिंग का जो टॉपिक है वो है आपके पर्सन की करंट एनर्जी। आपको लेकर करंट एनर्जी हम देखेंगे, लेकिन यहाँ दो पाइल्स हैं तो पाइल वाइज आपको सिलेक्ट करना है। आप इंट्यूटिवली इनमें से कोई भी एक पाइल चूज़ कर सकते हैं। पहली पाइल है द सन। अगर प्लैनेट में सन आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, सूर्य देव की एनर्जी अगर आपको अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो ये जो पाइल है या फिर इसमें बना ये इमेज, अगर ये आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसमें ही आपको आपके पर्सन के एनर्जी का जवाब मिलेगा। और दूसरी तरफ है वीनस। अगर आपको वीनस प्लैनेट अपनी तरफ आकर्षित करता है या ये इमेज आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो ये पाइल आप चूज़ कर सकते हैं। सो मैं पाइल नंबर वन से रीडिंग शुरू करूँगी, देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। पाइल टू का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप डायरेक्टली अपने पाइल पर जाकर रीडिंग एंजॉय कर सकते हैं। सो मिलते हैं पाइल नंबर वन की रीडिंग पर। हेलो पाइल नंबर वन, जिन्होंने भी पाइल नंबर वन द सन का कार्ड चूज़ किया है, अब मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। यहाँ पर इस रीडिंग के लिए मैं तीन डेक यूज़ करूँगी और इन थ्री डेक्स में से मैं लूँगी टू टू कार्ड्स और हम देखेंगे आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर वन चूज़ किया है, आप में से ज़्यादातर लोग एक्शन का वेट कर रहे हैं। आपके पर्सन किसी तरह का आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं, स्पेशली कमिटमेंट को लेकर आप एक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित नज़र आ रहे हैं, ऐसा यहाँ पर एनर्जी है। साथ ही साथ आप में से कई लोगों के लाइफ में फैमिली इश्यूज बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आपकी फैमिली या आपके पर्सन की फैमिली नहीं मान रही है इस रिलेशनशिप के लिए, ये भी इश्यूज इस पाइल में नज़र आ रहे हैं। बॉटम से वी हैव अबंडेंस। पाइल नंबर वन द सन, क्या मैसेज है एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है उनके पर्सन की करंट एनर्जीज। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास नाइन ऑफ वांड्स। आपको लेकर करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपको लेकर अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा हैं, आई नीड ओनली वन कार्ड। करंट फीलिंग्स, ओके। बॉटम से है हमारे पास मैसेंजर ऑफ एयर। फाइन, तो कलेक्टिव जो एनर्जी निकल कर आई है पाइल नंबर वन के लिए, उसके अकॉर्डिंग जो एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन सबसे पहले तो आपके साथ जो कंपैटिबिलिटी फील करते हैं, जो आप दोनों का जो मैच है, वो मेड फॉर ईच अदर है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। क्योंकि यहाँ पर कंपैटिबिलिटी की एनर्जी है, आप दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल पार्टनर हैं, एक दूसरे को मैच करते हैं स्टेटस वाइज। हो सकता है एक दूसरे के लाइफ में आप दोनों अगर सेपरेट कास्ट कल्चर से भी हैं या स्टेटस वाइज भी अगर आप सेपरेट हैं, तो भी आप दोनों के जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, एक दूसरे के साथ जो कम्फर्ट लेवल है, वो बहुत ज़्यादा कंपैटिबल है। साथ ही साथ यहाँ द गार्डनर की एनर्जी आई है। आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में जो उन्होंने एफ़र्ट डाला है वो अगर काफ़ी ना हुआ तो ये और एफ़र्ट भी डालना चाहते हैं, और ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ज़्यादातर लोगों के पर्सन यहाँ पर पब्लिक इमेज हो सकते हैं, जिन्होंने भी पाइल नंबर वन चूज़ किया है, या किसी तरह की गवर्नमेंट जॉब हो सकती है या हायर पोस्ट हो सकती है। यहाँ पर जो एनर्जी है वो इस तरह की ज़्यादातर है। साथ ही साथ अगर वो जॉब भी करते हैं तो वो किसी अच्छी पोस्ट या अच्छी पोजीशन, मतलब उनके अंडर में टीम हो सकती है, या वो अथॉरिटेटिव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग, और उनकी कोई पोजीशन ऐसी हो सकती है
तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर कलेक्टिवली बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। साथ ही साथ यहाँ पर जो एनर्जी है आपके पर्सन की करंट सिचुएशन में, यहाँ पर है प्रिंसेस ऑफ कप्स विद सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन आपको जेस्चर तो देना चाहते हैं, आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने इमोशन, साथ ही साथ ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर बॉटम की एनर्जी बता रही है कि ये लाना तो चाहते हैं बैलेंस, बट बैलेंस हो नहीं पा रही है सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी में होने की वजह से ये आपको मिस तो बहुत ज़्यादा करते हैं, मेमोरीज़ में रहते हैं आपकी जो भी यादें हैं, जो भी आपके साथ इन्होंने टाइम स्पेंड करा है, लेकिन ये उन मेमोरीज़ में रहकर भी स्टक फील कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये कुछ एक्शन भी नहीं ले पा रहे हैं, स्टैंड भी नहीं ले पा रहे हैं, कमिटमेंट भी नहीं दे पा रहे हैं, ये आपको अपना भी नहीं पा रहे हैं, साथ ही साथ ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हो रहे हैं। इन्होंने ये ठानी है कि अब इन्हें स्टैंड लेना है, इन्हें इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलना है और जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसे अपने लाइफ से कट ऑफ करना है। ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ पर कलेक्टिव लेवल पे करंट सिचुएशंस में निकल कर आई हैं। लास्ट हमारे पास जो दो कार्ड हैं वो हैं करंट फीलिंग्स। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, इसमें हमारे पास जो एनर्जी है वो है थ्री ऑफ सोर्ड्स, क्राफ्ट्समैन ऑफ अर्थ एंड मैसेंजर ऑफ एयर। आपके पर्सन अगर आपसे दूर हैं या किसी तरह की सिचुएशन में स्टक हैं तो इनके दिल में बहुत ज़्यादा तकलीफ है। ये आपके साथ काफ़ी समय से हो सकते हैं, हो सकता है सालों का रिलेशनशिप हो, बट इन्होंने आज तक आपको कोई भी कमिटमेंट नहीं दी है। लेकिन ये आपको ये बताना चाहते हैं कि ये आपसे बात करके बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं। आप यहाँ पर गॉडेस ऑफ फायर की एनर्जी है, आप ही को लेकर ये सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर पैशनेट रोमांटिक रिलेशनशिप आपके साथ फील करते हैं। एट ऑफ वांड्स की एनर्जी है, ये सिर्फ और सिर्फ आपसे बात करना चाहते हैं। अभी इस वक्त करंट फीलिंग से ये नज़र आ रहा है कि बहुत जल्द आप में से काफ़ी लोगों को मैसेजेस रिसीव होने के ज़्यादातर चांसेस नज़र आ रहे हैं। सो करंट एनर्जी पाइल नंबर वन, जिन्होंने भी चूज़ किया है द सन का, ये करंट एनर्जीज निकल कर आई है। और ओवरऑल एनर्जी द सन की है, योर इमॉर्टल स्पिरिट पर्पस एंड डेस्टिनी इज़ इन्वॉल्व। आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपने डेस्टाइन पार्टनर से इन्वॉल्व हैं इस वक्त। हो सकता है आप अपने पास्ट लाइफ कनेक्शन के साथ हों, कनेक्शन कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपका उनके साथ डेस्टिनी जुड़ा हुआ है, तभी वो आपकी लाइफ में आए हैं। ज़्यादातर लोगों के पर्सन एक्शन लेने के मूड में हैं और करंट एनर्जी के अकॉर्डिंग आप में से बहुत सारे लोगों को 8 आवर्स और कुछ लोगों को 3 आवर्स के अंदर इस रीडिंग के बाद लकी वंस कॉल मैसेज आ सकते हैं, कुछ लोगों को 3 डेज के अंदर। सो रीडिंग अगर आने वाले टाइम में आपसे रेजोनेट करेगी और अगर आपके पर्सन का आपको मैसेज आता है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर टू, जिन्होंने भी पाइल नंबर टू चूज़ किया है, वीनस का कार्ड अब मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। तो यहाँ पर ये 3 डेक से मैं देखूँगी, 2 कार्ड्स लूँगी और मैं आपको बताऊँगी कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, क्या थॉट्स हैं और करंट फीलिंग्स क्या हैं। सो शुरू करते हैं, देखते हैं वन बाय वन क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, करंट थाट्स। जिन्होंने भी पाइल नंबर टू चूज़ किया है उनके पर्सन के करंट थाट्स, ओके, फर्स्ट है लव, वन मोर कार्ड, बाउंड्रीज, ओके। जिन्होंने भी वीनस का कार्ड चूज़ किया है, ज़्यादातर लोगों के पर्सन पॉसिबल है कि मोबाइल से बहुत प्यार करते हैं या उन्हें कार या बाइक का बहुत ज़्यादा शौक़ है। अगर फीमेल हैं तो खर्चीली बहुत ज़्यादा हो सकती हैं या बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो सकती हैं। यहाँ पर अगर मेल है तो लग्जरी पसंद हो सकता है उसे, अगर वो मिडिल क्लास भी है तो उसकी जो सपने हैं वो बहुत ऊँचे हैं। साथ ही साथ कुछ अचीव करने की एक शक्ति है, प्लस स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आप भी स्पिरिचुअल हो सकते हैं या आपके पर्सन स्पिरिचुअल हो सकते हैं। यहाँ पर गुरु का सम्मान बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर जो भी वीनस का कार्ड चूज़ किया है उन्होंने अपने लाइफ में गुरु का, टीचर्स का, गाइड का बहुत सम्मान किया है। ये चीज़ें यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही हैं। सो दो एनर्जी मैंने ले ली है इस डेक से, करंट थॉट्स। बॉटम से है द गार्डनर। देखते हैं आपके पर्सन की करंट सिचुएशन,
करंट सिचुएशन पाइल नंबर टू जिन्होंने भी चूज़ किया है। ओके, करंट सिचुएशन में हमारे पास टू कार्ड्स आ गए हैं। वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स विद 7 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम की एनर्जी है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ग्रेट, बहुत ही भयंकर सिचुएशन है आपके पर्सन्स की। करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर मेरे व्यूवर्स, जिनके भी सामने जब भी ये रीडिंग आएगी। विच ऑफ एयर विथ टू ऑफ वाटर, बॉटम से है 6 ऑफ वाटर। बहुत ही ज़्यादा प्यार है आप दोनों में। वीनस का कार्ड चूज़ किया है तो हार्मोनी तो होगी ही, लव तो होगा ही, रोमांस तो होगा ही, ये तो ऑब्वियस है। तो शुरू करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले मैं बता दूं कि आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन के करंट थॉट्स क्या हैं। थॉट्स में उनके दिमाग में, उनके दिल में जो भी चीज़ें वो इमेजिन कर रहे हैं वो है लव। लव को लेकर वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर आपने स्पेशली कोई बाउंड्री बना दी है, आपने इनको एक डेडलाइन दे दी है कि इतने टाइम पीरियड तक अगर आपने मुझे कमिटमेंट नहीं दिया तो, या मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया तो शायद मैं मूव ऑन कर लूँगी या मूव ऑन कर लूँगा। या अगर आपने इनको कुछ ऐसा कहा है कि नहीं, आपको मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस माननी होगी, कुछ यहाँ पे या तो उन्होंने आपको कोई बाउंड्री सेट करके दी है या आपने उनको कोई बाउंड्री सेट करके दी है, जिसकी वजह से प्यार तो बहुत ज़्यादा है, इमोशंस भी बहुत ज़्यादा हैं, बट कोई एक अपने आप को रोक रहा है, कोई एक अपने आप को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश में टूट रहा है। यहाँ पर टूटने की एनर्जी है। यहाँ पर देखिए क्लियरली नज़र आ रहा है कि इनके थॉट्स में जो चीज़ें हैं वो इनके एक्शन में रेजोनेट कर रही हैं। थॉट्स में है प्यार तो है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। 24 घंटे चाहे ये कोई भी काम करें, कोई भी सिचुएशन में हो, इनका माइंड आपकी तरफ रहता है। साथ ही साथ ये इस रिलेशनशिप में एफ़र्ट डालने की सोच रहे हैं। इस रिलेशनशिप में क्या एफ़र्ट डाल दें, कैसे एफ़र्ट डाल दें कि ये रिलेशनशिप सुधर जाए। करंट सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स विद 10 ऑफ वॉन्ड्स। बर्डन है किसी तरीके का, या तो किसी के सिबलिंग्स हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, या तो किसी के पेरेंट्स पूरी जिम्मेदारियां, हो सकता है घर के बड़े हों, इस तरह की एनर्जी है, या फिर माँ बाप की जिम्मेदारियाँ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी तरीके की, या बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल से लाइफ बिता रहे हैं, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकती है, कुछ ना कुछ जूझ रहे हैं किसी सिचुएशन से, जिसकी वजह से मोहब्बत होते हुए भी ये कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। उल्टा आपको इग्नोर कर सकते हैं, आपसे बातें छुपाना, पीछे हटना, बैकआउट करना, ऑफलाइन हो जाना, बहुत जल्दी ऑफलाइन हो जाना। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ये आपको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन जब तक ये एक्शन ले नहीं लेते, तब तक जब तक ये आपको क्लैरिटी नहीं दे देते, तब तक ये आपको कंफ्यूज रखेंगे, ताकि आप इन्हें ब्लेम ना कर सके कि तुम सिर्फ बात कर रहे हो, तुम सिर्फ टाइम पास कर रहे हो, बट तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं है कि तुम मेरे लिए एक्शन ले सको, मेरे से शादी कर सको। ये आप उनको बोलते हैं तो उनका दिल टूट जाता है। यहाँ पर इस तरह की एनर्जी है, ये आपको लेकर इमोशनल बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये सही टाइम का, सही वक्त का वेट कर रहे हैं, ताकि ये आपके लाइफ में एक मेजर चेंज लेकर आ सकें और पॉजिटिवली एक्शन ले सकें। सो ये सिचुएशन है आपके पर्सन की अभी इस वक्त। अगर हम बात करें इनकी करंट फीलिंग्स की, तो करंट फीलिंग्स में सबसे पहले आया है विच ऑफ एयर। कम्युनिकेशन इज़ द की टू सक्सेस। ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहती हैं या चाहते हैं, डेफिनेटली ये आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। रीयूनियन की एनर्जी है, या तो बहुत सारे लोग रीयूनाइटेड हैं या रीयूनियन होने वाला है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी, लविंग एनर्जी, इक्वल गिव एंड टेक ये भी करना चाहते हैं। साथ ही साथ बॉटम की एनर्जी है 6 ऑफ वाटर। किसी सिचुएशन में हर्ट ज़रूर हैं, स्टक ज़रूर हैं, या तो फाइनेंशियली या तो पर्सनल लेवल पे, लेकिन ये आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपकी मेमोरीज में है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी नज़र आ रहा है, लेकिन ये आपको खोना भी नहीं चाहते, आपके साथ ही अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। साथ ही साथ इनको एंसेस्टर्स की तरफ से, असेंडेंट मास्टर्स की तरफ से हीलिंग भी मिल रही है, ब्लेसिंग्स भी रिसीव हो रही है। तो करंट फीलिंग्स में ये चीज़ें क्लियर हैं कि ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, और ये आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं। सो ये
जो एनर्जी है ये निकल कर आई है पाइल नंबर टू के लिए। देखते हैं मेन मैसेज आपके लिए क्या है। वीनस के लिए जो मेन मैसेज है वो है द पार्ट ऑफ यू दैट डिज़ायर्स ब्यूटी सक्सेस इंडल्जेंस एंड वैल्यूएबल्स। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए खूबसूरती बहुत मायने रख सकती है। आप सुंदर दिखें, हैंडसम दिखें, प्लस आपके पास हर तरीके की सक्सेस लग्जरीज हो, आपकी जो इंटेलिजेंस लेवल है वो बहुत अच्छी हो, साथ ही साथ डिवाइन के साथ अलाइनमेंट भी आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है आपके लाइफ में, हो सकता है तभी आपने वीनस का कार्ड चूज़ किया है। तो रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो ठीक है, आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर अभी ये चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं कर रही हैं तो आने वाले 2 to 6 hours या 2 to 6 days के अंदर ये चीज़ें आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। जब भी आपसे ये चीज़ें रेजोनेट करेंगी तभी आकर ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।